हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दितिमन में। राजस्थान हाई कोर्ट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 13 जुलाई को जारी हुआ है और नेक्स्ट 14 जुलाई से जो है वह आप लोगों के आवेदन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल से आपके आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो भर्ती होगी, आपको पता है एक एग्जाम होगा और आपकी सीधी यहाँ पर जो है भर्ती हो जाएगी। पद का नाम है कनिष्ठ निजी सहायक, ठीक है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, जो भी मेन मेन चीज़ें आप लोगों के जानने की है। यहाँ 8 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है, तो बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। पहले सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर हाईलाइट करके आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन, क्या उम्र यहाँ पर मांगी गई है, कितना पेमेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। सीधी भर्ती है ये, ऑनलाइन आवेदन यहाँ आमंत्रित किए जाते हैं और जैसे ही चयन हो जाएगा अभ्यर्थियों का, तो सबसे पहले 2 साल की अवधि तक उनको 23,700 रुपये पेमेंट के रूप में फिक्स्ड प्रति माह जो है मिलने वाला है, यानी प्रोफेशनल ट्रेनी के रूप में आपको मिलेगा पहले 2 सालों तक। उसके बाद जो है वो आपको लेवल 10 के अनुसार पे स्केल जो है वह 33,800 से लेकर 106,700 रुपए तक आपकी यानी बढ़ जाएगी और उसके बाद परमानेंट आपको इतना ही मिलेगा, तो ये फिक्स्ड सैलरी रहेगी। विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने और परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक जो है अध्ययन कर लेना है। यदि आप फॉर्म फिल करेंगे तो जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको आप पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दूंगी, ताकि आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने पढ़ लिया है और मेन मेन चीज़ें हाईलाइट करके आप लोग जो है बता रही हूँ। रिक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर सीटें रिजर्व हैं, जैसे कि बैकलॉग वैकेंसी जो है उसमें एससी की जो है 9 सीटें रिजर्व हैं, एसटी की 6 रिजर्व हैं। टोटल बैकलॉग की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 वैकेंसी जो है यहाँ रिजर्व हैं। अन्य कैटेगरी की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो है 17 वैकेंसी, जिसमें से 5 जो हैं वह वुमेन के लिए आरक्षित हैं और 2 जो हैं वह एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 हैं टोटल और जिसमें से 1 वैकेंसी जो है वो वुमेन की है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी में 7 हैं, एसटी में 5 हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनलियर में 9 हैं और एमबीसी में 2 हैं, यानी टोटल 44 वैकेंसी जो हैं वो कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर बटी हुई है। वुमेन के लिए जो है हर जगह जो है यहाँ पर आरक्षण है। फिर देखें कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल जो है कितनी हो जाती हैं, 59 हो जाती हैं और इनमें भी जो है किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी भी की जा सकती है। तो जितने भी वर्ग हैं, विभिन्न वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में जो है सभी लाइनें जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जब आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि राजस्थान राज्य के बाहर या अन्य राज्य की महिला जो विवाह के उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन गई है तो उसे सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहा गया है कि मस्ट बी अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बाय लॉ इन इंडिया या इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस एंड, और इसके साथ और भी चीज चाहिए यहाँ पर, बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो हाईकोर्ट में आप लगेंगे तो वहां पर थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट उम्र की हम देख लेते हैं तो एज रिलैक्सेशन बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि आरक्षित तो वर्गों को हर तरीके से फायदा मिल रहा है, पदों में भी आयु में भी, ठीक है। तो एज जो है यहाँ पर मिनिमम जो है वह 18 ईयर है और मैक्सिमम 40 ईयर है। अब जितने भी फॉर्म जो है वो निकलते हैं तो देखिए कोरोना टाइम जो निकला था उसकी वजह से कई वैकेंसियां जो है रोक दी गई थी, तो इसी वजह से हर वैकेंसी में जो है आप देखेंगे मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर जो है वो कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 ईयर तक आप फॉर्म भर पाएंगे और मिनिमम जो है वो 18 ईयर तक होना चाहिए। इसके बाद द अपर एज लिमिट, बाकी जो है अपर एज लिमिट जो है शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर, 5 साल की जो है वो आपको छूट मिलेगी, चाहे एससी है, एसटी है या अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ईडब्ल्यूएस है। और बाकी वुमेन ऐसी जो कि विडो है, डिवोर्सी है, तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है।
फीस की अगर हम बात करें तो परीक्षा शुल्क जो है आपसे लिया जाएगा, तो यहाँ सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के जो आवेदक हैं तो सभी जो है जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, ₹700 लगेंगे। यहाँ पर राजस्थान राज्य के जो आरक्षित वर्ग हैं उनको जो है वो ₹550 यहाँ पर देना होगा, और इसके अलावा राजस्थान राज्य के जो है SC ST और दिव्यांगजन हैं तो उनको ₹450 यहाँ देना होगा। दोबारा से यहाँ पर देख लें, राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के, ठीक है, और अति पिछड़ा वर्ग भी नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक, उनके हैं ₹550। बाकी जो है राजस्थान राज्य के जो केवल SC ST है और दिव्यांगजन है उनके ₹450 लगेंगे। उसके बाद इन्होंने परीक्षा की स्कीम भी जो है यहाँ पर मेंशन कर दी है कि यहाँ पर एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और आप हाई कोर्ट में लगेंगे तो यहाँ शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होगी इंग्लिश में आपकी, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेम ऑन कंप्यूटर, तो यहाँ आप देख सकते हो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश में, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपकी मांगी जाएगी 8 मिनट 90 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर वो 60 मिनट का होगा, तो टोटल जो है वो 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो परीक्षा का जो स्थान, महा और दिनांक, यहाँ पर परीक्षा की डेट है 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा।